नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि आप देख लिए होंगे कि 8 अगस्त को महा आंदोलन है। महा आंदोलन में इस बार आप ये भी देखेंगे मेरे पोस्टर में लगा है कि वर्ग 1, 2 और 3 सभी पहुँच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्ग 1 और 2 का तो अभी जाया जाए, वर्ग 3 की तो पेपर भी नहीं हुई है तो वो क्या क्यों आएंगे? क्या 40% वाला तो उनका मुद्दा ही नहीं है, ना तो उनका डिलेटेड क्वेश्चन वाला मुद्दा है, ना तो अभी उनकी प्री एग्जाम हुई है। तो उसका कारण है, समझते हैं बारी बारी से, कि जैसे जो भी वैकेंसी आई थी 18,000, 20,000 की जो भी आई थी, और जो भी लेटेस्ट वैकेंसी, जो लेटेस्ट अभी भर्ती चल रही है, 2020 में नोटिफिकेशन आया था, इसके बाद 22 में इसका पेपर होता है, इसके बाद भर्ती होती है, जो कुछ भी है जैसा भी। अब वैकेंसीज में बहुत सारे पद जो हैं जो रिजर्व कैटेगरी के लिए थे, चाहे वो बैगा, भारिया और सहरिया, रिजर्व कैटेगरी जो एसटी कैटेगरी के तहत आते हैं, तो है क्या कि उनकी पोस्ट उतनी नहीं फिल हो पाई है जितना उनके रिजर्व कैटेगरी में था। तो क्या सर वो किसी और कैटेगरी को मिलेगा? जी नहीं, वो जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व था उसी कैटेगरी के लिए वो रहेगा। अब उतने नंबर से क्वालिफाइड वो नहीं है तो वो पोस्ट रिटर्न हो रही है। लगभग जो है नंबर आप पोस्ट आई थिंक 3 या 4,000, सो इट इज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, और ये जो है तो बैक हो रहा है, तो ये अच्छा मामला नहीं है। अब इसमें क्या 40% और 50% वर्ग 3 में भी होगा? तो बिल्कुल, यदि 40% और 50% होता है तो जो बैकलॉग की पद जो है खाली होकर के और जाएगी, बैकलॉग बनेगा तो इसके पहले भी फिल हो जाएगा। इसमें भी कारण है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ नंबर कम कर दिए गए हैं। आपको तो पता है नॉर्मलाइजेशन दैट मीन्स है खेल है ये जो चलता है, किसी को पास कराने के लिए और किसी को फेल कराने के लिए। दूसरा एक मुद्दा इसमें ये भी रहना चाहिए कि जो पेपर है, आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम जो बड़े बड़े एजेंसियां कराती हैं, चाहे वो लाइकवाइज यूपीएससी, पीसीएस का एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट में, तो कैसे होते हैं, वन डे एग्ज़ाम होता है, एक दिन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें एक पारदर्शिता रहता है, कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर से उसमें पेपर नहीं होती, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होती है, बहुत ही सिंपल टिक मार्क होता है, बहुत अच्छा रहता है, सभी सेटिस्फाइड रहते हैं, इसी तरह इस तरह की कोई घपला भी नहीं होता है, कोई भी घोटाला नहीं होता है। तो क्या सर ये प्रक्रिया इसमें भी होनी चाहिए? तो इसमें बहुत बड़ी 2-3 जो है आपको उपलब्धियां, अचीवमेंट मिल सकती हैं और परेशानियों से राहत मिल सकता है, खासतौर पर स्टूडेंट्सों को। चूँकि आप देख रहे होंगे, आप जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, जैसे हम बहुत सारे एरियाज वाइज यदि बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत दूर जा कर के वो पेपर देना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास के नज़दीकी सेंटर में नहीं मिल रहा। अब जैसे कोई ग्वालियर का है, गुना का है, तो उसको दे रहा है सीधी जिला सेंटर दे रहा है, इसी बार देखने को मिला है, कई बार देखने को मिला है, ठीक है। कोई सीधी जिला का है तो उसको दे रहा है इंदौर दे रहा है पेपर देने को। अब इतना दूर वो स्टूडेंट किराया लगा करके जाए, फिर होटल्स में रुके, फिर अपनी तमाम तरह की व्यवस्था करे, इसके बाद पेपर दे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी खर्च होते हैं और स्टूडेंटों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि पेन कॉपी वाला पेपर हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये पता है, जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम आपके हर ज़िले में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी कराया जा सकता है, कहीं भी कराया जा सकता है, तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े ही आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा सकती है और पारदर्शिता भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो बहुत ही फेयर एग्ज़ाम हो जाती है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक ये मांग होनी चाहिए कि वन डे एग्ज़ाम हो, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बंद नहीं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो घटिया खेल चल रहा है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, एक लास्ट इम्पोर्टेंट और मेरा मैसेज है, वो आपको लास्ट में बताऊँगा, इसलिए आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, कि सर कुछ आंदोलन का क्या कोई महत्व निकलेगा? तो निकलेगा भी और नहीं भी निकलेगा, अब इसमें डिपेंड करता है हम। यदि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप इसको एक वीडियो शेयर भी नहीं कर पाए, ठीक है, आप सोचे यार सर बना दिए हैं, ठीक है, इससे क्या क्या ही होना है, इसे तो रियल में कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है।
यदि आप इसको शेयर करते हैं, और शेयर ही नहीं, यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो उनको बोलिए कि सर आप इस मैटर पे बोलिए, इस मैटर पे आप वीडियो बनाइए, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करिए और सबका सहयोग करिए, तभी ये कुछ सही हो पाएगा। क्योंकि आप पढ़ते रहो ना, बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे सर आंदोलन करने से होता ही क्या है, क्या होता है, आपने देख लिया सीट बिक गई पटवारी की, ठीक है, इसे पटवारी बस की नहीं बिकी, सबकी सीट बिकी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई बंदा पटवारी के टाइम पे विकलांग हो जाता है, जैसे ही फॉरेस्ट का एग्जाम होता है वो फिट हो जाता है 2-3 महीने में। फिर यही मामला भी आ रहा है जो वर्ग 3 की वैकेंसी चल रही है, जो उसमें रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उसमें भी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत लोग तो इस्तीफा भी दे रहे हैं अपनी भाई, जॉब भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है उनकी विकलांगता का। तो इस तरह से कई मिस्टीरियस बातें हैं जो एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नंबर से चूक जाते हैं, 0.0, 0.05 इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में उनको कम कर दिया जाता है, वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे वो किसी काम को करने के लिए उनको माइंडसेट ही नहीं कहता कि हम पढ़ाई करें, पढ़ाई करने बैठेंगे 2-4 मिनट में उनको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि एक होता है हार मानना, एक होता है मन से हार जाना। ऐसे में यार कोई भी आदमी एक वक्त तक ही किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है ना, उसके बाद उसको ये लगेगा होता तो कुछ है नहीं, जो एग्जाम जो पैसा देगा उसका एग्जाम होगा। तो इसी सिस्टम के खिलाफ आपको खड़े होना है, इसलिए आपको 8 अगस्त को ESB के ऑफिस के सामने पहुंचना है, ठीक है। और इस वीडियो को सभी अपने स्टेटस में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी ग्रुप मिले उसमें शेयर करिए, ठीक है। यदि हम आपके हित में बात कर रहे हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। फिर सर, क्या आंदोलन के कभी कोई इफेक्ट हुआ है, इस मैटर पे मैं बात कर रहा था, शायद बीच में दूसरे मैटर पे आ गया, तो बिल्कुल बता रहा हूँ। आपने देखा पटवारी का एग्ज़ाम, पटवारी के एग्ज़ाम में लगभग नहीं तो बहुत सारे मास नंबर में विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे, और उसका आप देख लिए कि रिजल्ट भी 2-3 मिनट में ही आ गया। मतलब यार मेरे 2-3 मिनट कहने का मतलब आप ऐसा मत लीजिएगा कि सर 2-3 मिनट में तो नहीं आया है ना, हो सकता है 2-3 घंटे, 24 घंटे जो भी लगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके क्या बोला कि मैं अभी परीक्षा को रोक रहा हूँ, कार्यवाही को, समझ रहे हो। तो ये एक इफेक्ट होता है भाई साहब, समझ रहे हैं। यदि आप 40% 50% डिलेटेड क्वेश्चन, चूंकि ये अभी नहीं, आप पेपर जो दे रहे हैं ना, जो सोच रहे होंगे कि हम तो सर क्वालिफाई हैं, वर्ग 1 और 2 दोनों क्वालिफाई, बाद में आकर के आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके और रोइएगा कि सर हमारा नंबर 28 नंबर कम हो गया, हमारा 25 नंबर कम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, फिर से एक आंदोलन होगी, फिर मैं आपको बोलूँगा, अभी आप बोलेंगे सर हम तो टैलेंटेड, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो मेंस दे रहे होंगे शायद उनको मेरी बातें बुरी लगेगी, सही है, और सच और जो है ना हमेशा कड़वी होती है, उसके लिए कोई बात नहीं। फिलहाल आपका व्यू है, आप किस हिसाब से देखते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि आप इतना करिएगा, और इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी जारी रखना है। तो बोले सर अब क्या करें पढ़ाई, चूँकि वर्ग 1 भी तो क्वालिफाई हुआ नहीं, वर्ग 2 भी क्वालिफाई नहीं हुआ किसी का, कोई ओवर एज में आ गया, बहुत सारी समस्याएं। तो यदि आप निराश होकर के बैठ जाएंगे तो आपके, यदि आपके पास चांस है अभी, तो आपके पास से जो आने वाला चांस है वो भी निकल जाएगा। वो क्या है सर, तो वर्ग 3 की वैकेंसी देगा ही गवर्नमेंट, ठीक है, और यदि देगा तो आपकी तैयारी कितनी है, कि आप देख रहे हैं कभी भी किसी भी चीज़ की वैकेंसी आ जाती है। अब MP पुलिस की आई, एग्ज़ाम होने लगा, सर्वर डाउन हुआ, बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए और उनका कहानी ख़त्म हो गया। इसी तरह से आपके साथ भी हो जाएगा। एक परीक्षा में तैयारी करने के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा, MP पुलिस में कितना समय मिल रहा है, कोई समय नहीं मिला। इसी टाइप से वर्ग 3 में भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी रणनीति पहले से ही बना के रखें, इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसके लिए पहले से तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देख लेंगे। इसलिए अपनी तैयारी वर्ग 3 की स्टार्ट कर दीजिए। फिर एक और है कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे अभी AP का अभी आने वाला है शायद तक, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप यदि जागरूक हैं कि आप आपने सेट का एग्ज़ाम का यदि फॉर्म नहीं डाला किसी कारणवश, क्योंकि सेट की एग्ज़ाम होती है, जैसे होता है
यूजीसी नेट होता है उसी तरह मध्य प्रदेश में सेट का एग्जाम होता है, और यदि आपने उसको नहीं भरा तो अब आपके पास क्या चांस है। उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमने यूजीसी वो सेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, क्या आपको भी कोई चांस बन सकता है कि उसमें मैं सेपरेट बात करूँगा, इसमें नहीं अभी क्योंकि दूसरे मैटर पर बन रही है। फिलहाल जो नोट था जो मैं बोल रहा था कि लास्ट तक आपको वॉच करेंगे तभी मैं आपको बताऊँगा, तो उसमें यही है कि अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं। आप अपने जिस भी संस्थान से जुड़े हैं वहाँ इन्फॉर्म करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर 8 अगस्त को इकट्ठा हो। हमारा आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है। आगे आप स्वयं ही समझदार हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।